आज का जो मेरा वीडियो है एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ। ये हमारा अलग अलग टाइप को आपको एक्सटेंशन बोर्ड वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग ड्राइंग रहेगा, अलग अलग बोर्ड है। जिस तरह के आपको एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए उस तरह से आप देख सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल आपको सब बताऊँगा। हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए आपके पास सॉकेट, स्विच, आपको टू पिन भी सॉकेट होना चाहिए, आपका ये प्लग होना चाहिए, ये टू पिन सॉकेट है, ये थ्री पिन सॉकेट है। तो आपको अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आप देख सकते हैं। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसे आप बेड पर से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं आप कहीं से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अपने साधन के लिए, अपने यूज के लिए आप एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। ये लंबा तार प्लग में जितना डालेंगे उसके लिए आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। आप जैसा एक्सटेंशन बोर्ड चाहते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड हमारे बहुत काम आता है। तो ये मान लीजिए, देखिए ये सिंपल है, इसे आप बेड पर बैठ के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सब सर्किट है, तो सब सर्किट बोर्ड है आपका जो बेड से दूर है। आप चाहते हो तो अपना मोबाइल कुछ बेड पर बैठ के चार्ज करें, तो कैसे करेंगे आपको बता दे रहा हूँ। ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाइए और बना के आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा इस फिगर को देखिए, पहले ये हमारा फिगर है, सेम एक सॉकेट है, एक स्विच है और ये हमारा प्लग, ये हमारा प्लग है, ये हमारा स्विच है, ये सॉकेट है। तो देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ, कुछ नहीं है, देखिए वायरिंग भी किया गया है, वायरिंग किया गया है, बस कुछ नहीं करना है। एक तार ले लीजिए, ये देख लीजिए हमारा स्विच, स्विच में हम फेज दिए, फेज से एक ये तार इसमें डाल दिए, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो हमारा देखते रहिए अच्छे से। यहाँ पर मैं तार जोड़ा, बस अब इसको आप मान लीजिए वहाँ पर लगा के यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, या जितना आप लंबा तार लगाइएगा उस तरह से आप अपना मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल उपकरण चला सकते हैं दूरी से। इस वीडियो में देखिए आपको ये जो आपको ड्राइंग बनाया हूँ एक्सटेंशन बोर्ड का, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा। ये हमारा थ्री पिन सॉकेट है, ये हमारा थ्री पिन सॉकेट है, उल्टा लिखा गया है। ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है और ये थ्री पिन सॉकेट, ध्यान रखिएगा। ये हमारा रेड वाला वायर फेज है, स्विच में से हमेशा फेज निकलता है, न्यूट्रल कभी नहीं दिया जाता है स्विच में। एक सॉकेट के पॉइंट में गया और फिर यहाँ से स्विच में से एक तार ऊपर गया, सॉकेट में गया। इधर आप देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको देख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ। जो आपका ड्राइंग है आप सेम देख लीजिए, ये हमारा दो प्रैक्टिकली आपके सामने इमेज है और ये हमारा थ्योरी है। थोड़ा सा थ्योरी आपको हार्ड लगेगा, बट आपको थ्योरी भी लेके चलना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो आपके पास थ्योरी भी होना चाहिए। अब देखिए कैसे हुआ, अभी इसका कनेक्शन में बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा मेन तार है फेज और ये हमारा मेन तार है न्यूट्रल। ये हमारा क्या होगा, प्लग में जुड़ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा मान लीजिए क्या होगा, प्लग में जुड़ जाएगा, ये हमारा एक प्लग में जुड़ जाएगा और एक हमारा ये प्लग के जो तार है उसमें जुड़ जाएगा। आपको देखना है फेज दिए, यहाँ से फेज हम इसमें जोड़ दिए हैं, देखिए जोड़ा हुआ है, दोनों फेज इसमें जोड़ा हुआ है। ऊपर लतार इसमें आ गया, स्विच का ऊपर लतार एक इसमें आ गया और यहाँ से न्यूट्रल दिए हैं, एक न्यूट्रल यहाँ पर दिए हैं और यही न्यूट्रल तार आप देख लीजिए आपको यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारा न्यूट्रल तार यहाँ पर से ये तार में यहाँ से आ गया, यहाँ से न्यूट्रल लग गया, फेज हमारा यहाँ पर यह है और ये यहाँ से एक इसमें आ गया, ऊपर वाला पॉइंट इसमें और ऊपर वाला पॉइंट इसमें। तो ये हमारा दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड है, आप इसको अच्छे समझ, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, आप ये भी देख सकते हैं। बहुत सारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, जैसा आपको काम वैसा एक्सटेंशन बोर्ड बन सकता है। यदि कोई आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए
ये हमारा दो फायर दो आपका सॉकेट है, एक सॉकेट, दो सॉकेट, और ये भी हमारा सॉकेट है, ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्विच पर काम करेगा, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट है, ये हमारा जो सॉकेट है डायरेक्ट है। आप देख लीजिए सामने है आपके, ये देखिए दो आपका सॉकेट, दो स्विच, सॉकेट, फ्यूज। आपको बस फिगर देख लीजिए अच्छे से, और फिगर के जैसा इसमें बनाया गया हो आप उस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला हमारा जो वायर है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो हमारा जो वायर है ब्लू वाला फेज है, तो एक फेज में ऊपर दिया, नीचे का फेज क्या किया मैं यहाँ पर लाया, यहाँ से दोनों स्विच के नीचे वाला पॉइंट दिया, और स्विच का दो एक ऊपर वाला पॉइंट इस टाइप में, ये लग स्विच का पॉइंट इसमें। हाँ अब देखिए न्यूट्रल यहाँ से मैं क्या किया यहाँ पर दे दिया हूँ, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर, और यहाँ से न्यूट्रल आपको डायरेक्ट दे दिया हूँ। देखिए ये न्यूट्रल मेन हमारा जो प्लग का वायर है उसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल आया यहाँ पर, यहाँ से न्यूट्रल आया यहाँ पर, तो ये देखिए ये न्यूट्रल यहाँ से, ये हमारा तार है इस पॉइंट में, ये अलग पॉइंट ये अलग इसमें आ गया, फेज देखिए यहाँ से फेज दिए, और ये फेज नीचे वाला में आया फेज ही, और ये डायरेक्ट दिया गया है, और एक तार फेज का स्विच का नीचे वाला पॉइंट में जोड़कर एक ऊपर वाला फाइव पिन में, एक स्विच का ऊपर वाला पॉइंट फाइव पिन में। तो आप इस बोर्ड को भी देख सकते, एक बार अच्छे से फिगर देख लीजिए, फिगर समझ लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा वायरिंग किया गया है, ब्लू वाला वायर जो वायर है हमारा फेज है, ब्लैक वाला वायर है जो न्यूट्रल है। इस तरह से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, आप इसमें दो मोबाइल, दो टीवी, चार्जर, एलईडी बल्ब चार्ज कर सकते हैं, आजकल जो न्यू वाला आ रहा है, तो अलग अलग आप लोग यूज कर सकते हैं। आप ये भी हमारा डायग्राम अच्छा समझ सकते हैं, ये देखिए इसमें क्या है आपका दो सॉकेट है, एक सॉकेट, दो सॉकेट, ये हमारा एक स्विच है, सॉरी ये हमारा एक स्विच है, दो स्विच है, और एक सॉकेट है, टू पिन सॉकेट, जिसमें हम लोग टू पिन सॉकेट बोलते हैं, टू पिन सॉकेट है, और एक फाइव पिन है, एक और फाइव पिन है। आप इस तरह से देख सकते हैं, अच्छा से इसको फिगर देखिए अच्छा से, जो आप पीछे वाला वीडियो देखे थे, सॉरी पीछे वाला जो आप पीक देखे हैं, ड्राइंग देखे हैं मेरा, तो जो ड्राइंग देखे हैं सेम है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा आपको ये लगा दिया हूँ, आपका एक सॉकेट लग गया है, दो स्विच है, और एक फाइव पिन है, फाइव पिन आप देख सकते हैं, ये वाला फाइव पिन, हाँ ये वाला फाइव पिन दो लगा गया हूँ। तो इसमें थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकता हूँ। एक बड़ा सा एक्सटेंशन बोर्ड आपके बनाया हूँ, जो आप में इसमें मोबाइल ही चार्ज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इस एक्सटेंशन बोर्ड के, स्पेशली मोबाइल चार्जर, स्पेशली मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर चलाओ, स्पीकर चलाइए, प्रिंटर चलाइए, लैपटॉप चलाइए, जो आपको चलाना होगा, मतलब एक सॉकेट, दो सॉकेट, तीन सॉकेट, चार सॉकेट, पाँच सॉकेट, छः, सात, आठ, नौ, दस, इसमें एक फ्यूज है, ये हमारा इंडिकेटर है, यदि लाइन आएगा तो बॉल भरेगा, और एक स्विच, एक स्विच पर टोटली लाइन कट जाएगा और एक स्विच पर ऑन हो जाएगा। स्पेशली आपको चार्ज करने के लिए मोबाइल ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाया हूँ, या आप घर में हो तो इस पर लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, ईपीयूएस, सीपीयू, प्रिंटर, जो भी आपको चलाना होगा आप इस तरह से बोर्ड बना के आप चार्ज कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। और अच्छे से समझ लीजिए, इसमें बस आपको ड्राइंग समझना है, आप इस तरह से भी एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं ऐसा बोर्ड बनाया हूँ आपको दिखा सकता हूँ, बड़े बड़े बोर्ड ऐसा मैं बनाया हूँ आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा बोर्ड आप बना सकते हैं, देख लीजिए इस मेरा वीडियो में, ऐसा बोर्ड आप बना सकते हैं,
इसमें 10 वाला सॉकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बोर्ड बना सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। थैंक यू टू ऑल।